हमारी माइथोलॉजी में सूर्य को देव कहा गया है, सूर्य देवता, जबकि वो ऐसे कोई मानेगा नहीं कि वो देवता है, लेकिन हम मानते हैं क्योंकि देवता वो होता है जो एनर्जी का सोर्स होता है और सूर्य एकमात्र एनर्जी का सोर्स है। जो आपको चारों तरफ हरे भरे पेड़ पौधे दिख रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ सूर्य की वजह से है। तो आज के इस वीडियो में मैं सूर्य नमस्कार की बात करूंगी, सूर्य नमस्कार के जो आसन है उनके नाम के साथ और कैसे करना चाहिए वो सारी डिटेल आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। नमस्ते, मैं हूँ नीरजा और आपका वेलकम करती हूँ मेरे चैनल योगा विद नीरजा से। तो आइए स्टार्ट करते हैं, सूर्य नमस्कार किस तरह करते हैं। सूर्य नमस्कार में 12 आसन होते हैं, लेकिन सूर्य नमस्कार की अलग अलग विधियां हैं। अष्टांग योग में कुछ और कहा जाता है, विन्यासा में कुछ और किया जाता है। तो मैं जो ट्रेडिशनल अष्टांग योग की बात कर रही हूँ उसका जो तरीका, उसमें 12 आसन होते हैं। ये माइथोलॉजिकल वे ऑफ सूर्य नमस्कार है। सूर्य नमस्कार कभी आपने किसी और के साथ किया होगा, वो सही और मेरा गलत, मेरा सही और वो गलत, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इसमें मॉडिफिकेशंस किए जा सकते हैं, लेकिन आज मैं जो सूर्य नमस्कार की बात कर रही हूँ उसके 12 आसन हैं और वो माइथोलॉजिकली प्रूवन है, और मैं उन 12 आसनों के नाम के साथ आज आपको हर एक पोस्चर किस तरह से सही से करें वो बताऊंगी। तो शुरू करेंगे। जब सूर्य नमस्कार आप कर रहे हैं तो एक चीज का ध्यान रखें कि सुबह में सूर्य के उगने के बाद या तो सूर्य डूबने के पहले, सूर्य के रहते हुए ही आपको सूर्य नमस्कार करना है। तो अर्ली मॉर्निंग सूर्य उग जाने के बाद और सूर्य डूबने के पहले आप कर सकते हैं। जहाँ पे अगर सुबह में कर रहे हैं तो ईस्ट की तरफ, क्योंकि ईस्ट से सूर्य उगता है, और अब शाम को कर रहे हैं तो वेस्ट की तरफ, क्योंकि वेस्ट में सूर्य डूबता है, उसकी तरफ मुंह करके ही इसको करना है। मैं आपको पूरे 12 आसन के नाम के साथ बताऊंगी। सबसे पहला आसन, दोनों पैरों को साथ में रखना है, दोनों हाथों को खींच के रखना है, पेट को अंदर, चेस्ट को ओपन। फील करें अपने आप को टॉलर, नाइसली आप अपने आप को देखें। और ये जो स्थिति है वो समस्थिति कहते हैं इसको। यहाँ पे पहले थोड़ी देर 2-3 मिनट तक लंबी गहरी श्वास के साथ अपनी श्वास को फील करें। सूर्य नमस्कार करने के पहले ग्रैटिट्यूड का भाव बहुत जरूरी है, क्योंकि आप सूर्य को नमस्कार कर रहे हैं। ये सिर्फ एक व्यायाम नहीं है, एक स्पिरिचुअल प्रोसेस भी है। सबसे पहले नंबर 1 आता है नमस्कार आसन या प्रार्थना आसन। आप सूर्य को नमस्कार कर रहे हैं, दोनों हाथों को इस तरह जोड़कर रखा है, अपने दिल की धड़कनों को सुनने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो हृदय है वो आपका शरीर चलाता है और सूर्य इस संसार को। फिर दूसरा आसन है दोनों हाथों को इनहेल करते हुए अपने कान से लगा देना है। आप साइड से देखें, कान से लगा के और फिर पीछे की तरफ झुकना है। अब इसमें आप वेरिएशन कर सकते हैं, दोनों हाथों को इस तरह जॉइन करके भी आप कर सकते हैं, जॉइन करके ही करें। अब यहाँ से जब आप पीछे झुक रहे हैं तो आप मेक श्योर कि आपकी यहाँ से जो हिप्स है, बैक का पार्ट है, वहां से लेकर नीचे तक पूरा पार्ट हिलेगा नहीं, नीज नाइसली टाइट रहेंगे और आपको सिर्फ टॉर्सो से ही बैंड करना है। कान है ना हाथ से लगने के, इसमें गलती हम करते क्या है, हाथ यहाँ होते हैं गर्दन पीछे, सो डोंट डू दैट। आपके हाथ को स्ट्रेच करें, पेट को अंदर, इनहेल करते हुए और पीछे की तरफ झुकें। जितना आपकी बेंडिंग हो, फ्लेक्सिबिलिटी हो, उतना ही झुकें, लेकिन आपकी स्पाइन को ही स्ट्रेच करें। फिर एक्सहेल करते हुए, श्वास का खास ध्यान रखेंगे, एक्सहेल करते हुए आपकी स्पाइन को स्ट्रेट करें, हाथ को सामने की तरफ खींचें, पैरों को नाइसली टाइट रख करें और एक्सहेल करते हुए नीचे की ओर झुकें। दोनों हाथों को, अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इतनी है तो यहाँ तक रखें, नहीं तो आप पूरे पैरों को नीचे से पकड़ के अपने आप को नीचे लाएं। इसको कहते हैं पाद हस्तासन। पाद हस्तासन का मतलब है पैर और हाथ एक लाइन में आते हैं, इस तरह से झुके। आप आगे से भी देख लें, जब आप पाद हस्तासन करते हैं तो 90 डिग्री स्ट्रेच करेंगे और अपने हाथों को नीचे रखें, और हाथों को नीचे रखते हुए और बैंड करें सिर को। पादहस्तासन में एक्सहेल करते हुए ही नीचे आएंगे और जब आप पोस्चर में रुके हैं तब डीप ब्रेथ करें। नाउ इसके बाद है फोर्थ आसन,
पैर को पीछे ले जाएं और आगे का पैर 90 डिग्री रहेगा। आप खास ध्यान रखें, आपका जो नी है, पहले आप देख लें, नी है वो आपका एंकल के बाहर नहीं जाना चाहिए। जो आपका टो है, टो से बाहर नी आपका आगे प्रेस नहीं होना चाहिए, अदरवाइज लॉन्ग रन में आपके नी की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। सो अश्व संचलन में दोनों हाथ और पैर एक लाइन में रहेंगे, पीछे का पैर आप सीधा भी रख सकते हैं और इस तरह बेंड भी। अब मैं आपको साइड में भी दिखा देती हूँ, पीछे का पैर आपका सीधा भी रहेगा, सीधा भी रख सकते हैं स्ट्रेचिंग के लिए, नहीं तो आप इसको इस तरह रख के कर सकते हैं। अब आगे का पैर आपका 90 डिग्री रहे, दोनों हाथ और पैर एक लाइन में, गर्दन ऊपर की तरफ, अश्व मतलब घोड़ा चलाना, अश्व संचलन आसन। यहाँ पे थोड़ी देर रुकें और सूर्य भगवान को नमस्कार करें, फिर दोनों पैर को सीधा दोनों एक लाइन में रखेंगे। ये देखेंगे ध्यान से, इसको ना तो ऊपर रखना है ना ही बहुत ड्रॉप करना है, बॉडी एक लाइन में हो जी। अब इसका जो एलिवेशन है उसमें ध्यान देने वाली बात है कि दोनों हाथ इस तरह नाइसली पुश किए हुए हों, आपका जो हाथ है ये एक लाइन में स्ट्रेट हो और पैर इस तरह से बॉडी को, पेट को जो है, कोर मसल्स को स्ट्रेच करेंगे पूरा, राइट। अभी यहाँ पे ये है दंडासन। नाउ इनहेल करते हुए नीज डाउन, एक्सहेल करते हुए चेस्ट डाउन करेंगे इस तरह। ये है षष्टांग नमस्कार आसन। छह अंग आपके जमीन से लगे हुए, चिन भी टच करेंगे, फिर दोनों पैरों को सीधा करते हुए हाथों को नहीं हिलाएंगे और भुजंगासन में आएंगे। जब इनहेल करते ऊपर आए और ऊपर आके थोड़ी देर रुकें, अब एक्सहेल करेंगे, दोनों पैरों को टक करें, एक्सहेल करेंगे, अपने पैरों को पूरा नीचे रखते हुए पर्वतासन में आएंगे। जितना आप झुक सकते हैं उतना ही झुकें, पर्वतासन में इस तरह बैल पूरा सिर को नीचे लाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे अभी देखें, पेट टाइट रहेगा पूरी तरह से, कोर मसल पे पूरा फोकस रखेंगे हाथ को। अब इसका एक बार पोस्चर देखेंगे, इसका जो पोस्चर है वो हाथ इस तरह आगे इस तरह नहीं रखना है, हाथों को स्लैंट रखना है थोड़ा सा, और पैरों को इतना दूर रखना है कि आपके हील्स जमीन से टच हो, इस तरह ऊपर नहीं रखना है, और फिर धीरे धीरे नीचे आना है, पर्वतासन या माउंटेन पोज। नाउ जो पैर पीछे ले गए थे वो पैर आगे लाएंगे, अगेन ये रिपीट होता है यहाँ पे अश्व संचलन आसन, फिर दोनों पैर साथ में पादहस्तासन, फिर इनहेल करते हुए ज्वाइन कर दें पाम्स को और पीछे जाएंगे हस्त उत्थान आसन, और फिर नमस्कार आसन। यहाँ पे दो तीन लंबी गहरी श्वास भरेंगे और छोड़ेंगे। इस तरह सूर्य नमस्कार के 12 आसन पूरी बॉडी को अच्छी तरीके से स्ट्रेच करते हैं। सो जब आप आसन करें उसके पहले प्रिपरेटरी जो पोस्चर्स हैं, आसन बनाने के पहले आप स्ट्रेचिंग के लिए सूर्य नमस्कार को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि सूर्य नमस्कार को सिर्फ आप व्यायाम ना समझें, इन्हेल एक्सहेल के प्रोसेस के साथ करें और डिवोशन के साथ करें, ईश्वर को डिवोट होकर करें। जिस सूर्य ने इस सृष्टि को बचा के रखा है, अगर ये ज्यादा गर्मी देगा तो सब खत्म हो जाएगा, अगर ये रात दिन नहीं निकलेगा तो सब खत्म हो जाएगा। सो उसने बैलेंस करके रखा है, तो वो हमारे लिए एक एनर्जी है ईश्वर की तरह है, जिसको हम देख नहीं सकते लेकिन वो हमारा पालन पोषण करने वाला है। तो मैं हमेशा कहती हूँ सूर्य नमस्कार को डिवोशन के साथ करिए। नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको हर एक आसन का एक मंत्र होता है, उस मंत्र के साथ हम सूर्य नमस्कार करेंगे, और सूर्य नमस्कार जब मंत्र के साथ जोड़ दिया जाता है तो उसके बहुत ही बेनिफिट्स होते हैं। अब बेनिफिट्स में देखेंगे तो जब आप फिजिकली इतने 12 आसन कर रहे हैं तो हर एक आसन के अलग अलग बेनिफिट्स हैं। किसी में आपका डाइजेस्टिव ठीक हो रहा है, किसी में आपके हाथ और पैर लिम्स चारों अच्छे हो रहे हैं, किसी में आपकी बैक बेंड हो रही है तो आपकी स्पाइन पूरी तरह से स्ट्रेच हो रही है तो स्पाइनल कॉर्ड नर्वस सिस्टम ठीक हो रहा है, जब डाउनवर्ड जा रहे हैं तो आपका माइग्रेन और जितनी ब्रेन से रिलेटेड एलिमेंट्स हैं वो ठीक हो रही। दैट मीन्स कि इन 12 आसन से आपकी पूरी बॉडी अच्छी हो रही है, बहुत सारे बेनिफिट्स इसमें मिल रहे हैं।
बट आपको ध्यान ये रखना है कि अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो फॉरवर्ड बेंड ज्यादा नहीं करना है, आपको बहुत फास्ट नहीं करना, आपको अपनी फिजिकल कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग ही सूर्य नमस्कार करने है। वैसे सूर्य नमस्कार सेफ है, कोई भी कर सकता है, लेकिन इसका करने का जो तरीका है सुबह और शाम सूर्य की तरफ मुंह करके ही करना है, प्लस आपका पेट थोड़ा खाली होना चाहिए। बस ये था आज का सूर्य नमस्कार का सेशन। नेक्स्ट सेशन में मैं आपको बताऊंगी मंत्र के साथ सूर्य नमस्कार के क्या बेनिफिट्स हैं और उनको कैसे करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मेरी फैमिली को बढ़ाने में मदद करें और बस करें प्लीज़। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।